मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक महिला को लेकर टिप्पणी करने के मामले में पत्रकार को गिरफ्तार करने की जल्दबाजी में प्रदेश सरकार को शीर्ष कोर्ट ने फटकार लगाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत कन्नौजिया पत्रकार को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया की पत्नी ने कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी की निजी जिंदगी में आज़ादी का हनन होता है तो हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे। स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया की गिरफ्तारी से जुड़ी एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है और उन्हें तत्काल रिहा करने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर भाजपा सांसद रेखा वर्मा ने कथित तौर पर ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया। कांस्टेबल श्याम सिंह ने गढ़ोहरा से सांसद रेखा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और FIR दर्ज कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना रविवार को बीती। भाजपा नेता ने गुस्से में आकर कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उनके निर्देशों का पालन करने में विफल रहा था। सिंह ने संवाददाताओं को कहा कि सांसद ने मुझ पर अपमानजनक टिप्पणी की और मुझे बिना वजह थप्पड़ मार दिया और तुरंत मौके से चली गई। मैंने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाने के लिए राष्ट्रपति शासन के तहत एक से एक नए आयाम दिए जा रहे हैं। अब आयकर विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने मंगलवार को यहां श्रीनगर निगम के उप महापौर शेख इमरान के कार्यालय पर छापा मारा। जानकर सूत्रों ने बताया है कि टीम ने पुराने शहर में बोहरी कदल इलाके में और शहर के बाहरी इलाकों में नौगाम में स्थित कार्यालयों में छापे मारे। हालांकि छापों का कारण अज्ञात है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा श्रीनगर शहर में जम्मू कश्मीर बैंक के कॉर्पोरेट मुख्यालय में भी तलाशी के दो दिन बाद मंगलवार में ये छापेमारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों को जारी रखते हुए लगातार संघर्ष विराम कर रहा है। आज भी पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने भीषण गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एक भारतीय सेना का जवान शहीद हो गया। रक्षा मंत्रालय प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद ने इस घटना की जानकारी दी है। आनंद ने कहा कि इस घटना में लाश नायक मोहम्मद जावेद 28 वर्ष के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें बाद में उनकी मौत हो गई। वे बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं और नॉर्दर्न कमांड के चीफ ने उन्हें श्रद्धा सुमन व्यक्त किए और उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान भेजने की व्यवस्था की जा रही है। आए दिन नशे के हालात में वाहन चलाने वाले खुद को एक दूसरे की जिंदगी भी दांव पर लगा देते हैं। सड़कों पर नशे में रफ्तार का मजा लेने में चालकों की कहीं भी कमी नहीं है। सड़क हादसों का बढ़ता ग्राफ गंभीर समस्या बना हुआ है और जिसकी एक खास वजह है नशे में गाड़ी चलाना। लेकिन अब कुछ समस्या का समाधान छत्तीसगढ़ के कोरबा के कुछ होनहार युवकों ने मिलकर किया है। इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है। यहाँ के छात्रों ने कार की ड्राइविंग सीट पर मौजूद कंट्रोल पैनल में एक सेंसर लगाया है जो पैमाने से अधिक अल्कोहल की गंध महसूस कर के ऑटोमेटिक लॉक कर देगा। इसमें इग्निशन तो ऑन होगा लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होगा। पहले कार में बजर बजेगा जो चालक को ड्राइविंग ना करने के लिए अलर्ट करेगा। इसके बाद ड्राइवर के नशे में होने की सूचना भी पुलिस को दे देगा।